हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सही ठीक रहेंगे। दोस्तों, आज एक हम कॉस्मेटिक के लिए सोशल मीडिया ऐड पर हम पोस्ट डिजाइन करना सीखेंगे। जैसे कि मैंने डिज़ाइन किया हुआ प्रोडक्ट के लिए, ऐसा कुछ क्रिएटिव और प्रोफेशनल डिज़ाइन करना सिखाऊंगा आप सभी को स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक। तो दोस्तों, आप सभी छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप सबके यहाँ पे कुछ नया क्रिएटिव डिजाइन सीखने मिले रोज। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आगे बढ़े सब सीसी में। मैं जाता हूँ फाइल में और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। और यहाँ पे मैं साइज रखता हूँ 1080p 3720p रेजोल्यूशन एक कलर RGB। और यहाँ फाइल नेम देता हूँ मैं और यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये हमारा डिज़ाइन साइज आ गया। अब मैंने एक इमेज दिया हुआ है, इसका लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसे हम पहले PNG करेंगे। तो PNG करने के लिए मैं जाऊँगा यहाँ सेलेक्ट में और यहाँ से सब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा। तो इसके चारों तरफ एक सिलेक्शन आना जाएगा, ये थोड़ा समय लेगा इसे सेलेक्ट करने के लिए। तो इसने सेलेक्ट कर लिया, पर इसने प्रॉपर सेलेक्ट नहीं किया है। अब हम यहाँ पर दूसरा मेथड यूज़ करेंगे, Ctrl D प्रेस करके इसे डिलीट कर लूँगा मैं। अब मैं जाऊँगा यहाँ पर और यहाँ पर जाके मैजिक टूल को यूज़ करूँगा और इस वाइट कलर पे क्लिक करूँगा। तो इसके चारों तरफ एक सिलेक्शन ऑन हो जाएगा। इसने प्रॉपर सिलेक्शन कर दिया, पर इसने ऊपर की तरफ एक सिलेक्शन ऑन कर दिया। अब इस सिलेक्शन को हटाने के लिए मैं Ctrl Shift I प्रेस करूँगा, तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर मास्किंग ऑन करूँगा, तो ये बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव कर लेगा। यहाँ पर मोटूल को सिलेक्ट करूँगा, इसे भी राइट क्लिक करके इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लूँगा। अब इसे इस तरह पकड़ूंगा और यहाँ पर ड्रैग करके ला के यहाँ पर इस तरह रख लूँगा, इसे बिल्कुल सेंटर रखूँगा। Ctrl T प्रेस करूँगा, इसे थोड़ा सा छोटा करूँगा और इंटर करूँगा। अब इसे हाइट कर लूँगा थोड़े समय के लिए। अब इस बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं सॉलिड कलर में और यहाँ पर मैं जाके इस कलर को पिक करूँगा। सब कोड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा और ओके करूँगा। अब इसी को पे एक न्यूलर लूँगा मैं और यहाँ से जाऊँगा मैं ब्रश में जाकर ऐसे सॉलिड ब्रश को सेलेक्ट करूँगा, इसे क्लोज कर लूँगा मैं और यहाँ पे इस कलर बॉक्स पर जाके इस कलर को पिक कर लूँगा। इसका कोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और ओके करूँगा। अब मैं ओपन ब्रैकेट से इस तरह ब्रश को बड़ा कर लूँगा मैं इस तरह और यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो कुछ इस तरह इफेक्ट आएगा। Ctrl T प्रेस करूँगा और यहाँ पे थोड़ा सा इसे छोटा करूँगा नीचे की तरफ और यहाँ नीचे की तरफ पकड़ के इस तरह मैं थोड़ा स्ट्रेच कर लूँगा और इंटर करूँगा। इसी के ऊपर फिर से क्यूलर लूँगा मैं और यहाँ से फिर से ब्रश को सेलेक्ट करूँगा जो कि ऑलरेडी सेलेक्ट है। यहाँ पर एक क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह इफेक्ट आएगा। Ctrl T प्रेस करूँगा और यहाँ से कॉर्नर से थोड़ा सा बड़ा करूँगा, थोड़ा ऊपर की तरफ रखूँगा मैं और इंटर करूँगा। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा फिल में और यहाँ पे थोड़ा सा इसका फिल कम करूँगा मैं इस तरह और इंटर करूँगा। इसी को मैं फिर से एक न्यू लेयर लूँगा मैं। अब यहाँ पे कलर बॉक्स पे फिर से जाऊँगा और यहाँ पर थोड़ा सा और लाइट कलर पिक करूँगा आगे की तरफ जाके, सब कोड यहाँ पर आ जाए और ओके करूँगा। अब मैं यहाँ पर ब्रश को थोड़ा छोटा करूँगा और यहाँ पर इस तरह क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह ब्राइट हो जाएगा। यहाँ पर मोटूल को सेलेक्ट करूँगा, इन चारों लेयर को सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट पकड़ के और यहाँ पे इसे लॉक कर लूँगा, ताकि इन टॉप लेयर को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एक न्यू लेयर लूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे इलिप्स टूल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह एक इलिप्स टूल ड्रॉ कर लूँगा मैं सर्कल इस तरफ। यहाँ पे मोटूल को सेलेक्ट करूँगा, इसे बिल्कुल सेंटर में मैनेज करूँगा मैं। Ctrl T पकड़ के इसे थोड़ा सा बड़ा करूँगा, ज़्यादा नहीं, और इंटर करूँगा। इसी के ऊपर फिर से एक न्यू लेयर लूँगा मैं। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा मैं लेफ्ट से लेकर राइट तक इस तरह। और यहाँ पे मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि ये दिखे, क्योंकि हमें बाद में इसे चेंज करना है। यहाँ पे मोटू को सेलेक्ट करूँगा, इसे ट्रैक करके इस लेयर के पीछे ला लूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा। Ctrl+ से डिज़ाइन को थोड़ा बड़ा करके मैं एडजस्ट कर लूँगा कि ये प्रॉपर है कि नहीं इस तरह। Ctrl T प्रेस करूँगा और यहाँ से शिफ्ट पकड़ के इसे राइट साइड से इसे प्रॉपर चेक कर लूँगा। अब मैं कहूँगा इस सर्कल को सेलेक्ट करूँगा, अल्ट होल्ड कर रखूँगा और यहाँ पर इस तरह नीचे की तरफ से ट्रैक करके ले जाऊँगा इस तरह। Ctrl T प्रेस करूँगा, शिफ्ट पकड़ के थोड़ा सा इसे बड़ा कर लूँगा मैं इस तरह और इंटर करूँगा। Ctrl+ से थोड़ा सा डिज़ाइन को बड़ा करूँगा मैं और यहाँ पे इस तरह मैं कॉर्नर पे चेक कर लूँगा इसे इस तरह मैं मैनेज करूँगा, थोड़ा लेफ्ट साइड में भी चेक कर लूँगा कि प्रॉपर है कि नहीं, तो ये प्रॉपर है। Ctrl 0 करके मैं डिज़ाइन पर आऊँगा। अब मैं इस सर्कल को सेलेक्ट करके यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा और इस कलर को पिक कर लूँगा तो ये कलर इसमें फिल हो जाएगा, ओके करूँगा। अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर लूँगा मैं, यहाँ पर मैं इसे हाइट करके चेक कर लेता हूँ, इसे ड्रैग करके यहाँ पे रेक्टेंगल के ऊपर रख लेता हूँ। इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल होल्ड करके तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे Ctrl E प्रेस करूँगा तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये दोनों मर्ज हो गए। अब इसे सेलेक्ट करूँगा, Ctrl T प्रेस करूँगा और यहाँ पे थोड़ा सा इसे छोटा कर लूँगा इस तरह में और इंटर करूँगा। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल होल्ड कर रखूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसके चारों तरफ एक सिलेक्शन आना जाएगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे ग्रेडियंट आइकन को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे
इस तरह मैं ग्रेडियंट में जाके यहाँ पे इस ग्रेडियंट को सिलेक्ट करूँगा जो कि ऑलरेडी मैंने बना कर रखा हुआ है। इसे इस तरह मैं ड्रैग करके इफेक्ट दे दूँगा मैं इस तरह। अब मैं आपसे इस ग्रेडियंट का कलर कोड दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो इसका कोड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, और इस पॉइंटर पर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इसका कोड जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो इसका कोड आप सभी को यहाँ पर दिख जाएगा, और ये लास्ट वाले पे डबल क्लिक करूँगा तो इसका कोड आप सभी को यहाँ पर दिख जाएगा। ओके करूँगा, यहाँ पे मोटूल को सेलेक्ट करूँगा। तो ये डिज़ाइन में कुछ इस तरीके है दोस्तों। अब मैं इस सर्कल को सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल होल्ड करके रखता हूँ और यहाँ पर क्लिक करूँगा तो इसे चार तो एक सिलेक्शन आना जाएगा। अब मैं फिर से यहाँ पर ग्रेडियंट आइकन को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इस तरह मैं ग्रेडियंट मैनेज कर लूँगा। मैं थोड़ा सा मैं इसे नीचे की तरफ रखूँगा, मैं इस तरह थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसे इस तरह मैं मैनेज कर लूँगा मैं, और यहाँ पे मोटूल को सेलेक्ट करूँगा। इस रेक्टेंगल से ड्रैग करके इस ग्रेडियंट को ऊपर ले लूँगा। अब मैं इसी का डुप्लीकेट निकालूंगा, कंट्रोल जे प्रेस करूँगा मैं, इसका एक डुप्लीकेट जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इस पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर इसी से रिलेटेड मैं डार्क कलर पिक करूँगा नीचे की तरफ जाकर, इसका कोड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। ओके करूँगा, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और इसे इस तरह मैं नीचे की तरफ ला के इस तरह मैं मैनेज करूँगा। इसे इस तरह सिप पकड़ के इसे बड़ा कर लूँगा मैं और इंटर करूँगा। इसे ड्रैग करके इन दोनों ग्रेडियंट के पीछे ले लूँगा मैं, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और इसे इस तरह मैं थोड़ा मैनेज करूँगा मैं एरो से इस तरह, और इंटर करूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे फिल्टर में और यहाँ से मैं ब्लर में जाके यहाँ से जाऊँगा ग्रोशन ब्लर में, और इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लूँगा और यहाँ पर इसका ब्लरनेस में थोड़ा कम कर लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा हो गया, थोड़ा और कम कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर 3.2 तक रखता हूँ और ओके करूँगा। थोड़ा एरो से मैं ऊपर ले लूँगा मैं इस तरह, तो इसका कुछ थोड़ा शेडो दिखेगा ये। अब मैं इस सर्कल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं जाऊँगा इलस्ट्रेटर को सेलेक्ट करूँगा इस आइकन को, और यहाँ पे इसका फिल कर लूँगा ऑफ़, और यहाँ पे जाऊँगा बॉर्डर में, और यहाँ पे मैं कलर बॉक्स पे जाके इस वाइट कलर को पिक करूँगा और इसे क्लोज कर लूँगा, और यहाँ पर इसका स्ट्रोक बढ़ाऊँगा थोड़ा मैं, तो यहाँ पर 6 तक रखता हूँ मैं और इंटर करूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पर मास्किंग ऑन करूँगा, इस वाइट बॉक्स पर क्लिक करूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं ब्रश में, ब्रश में जाकर ऑलरेडी मैंने सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करके रखा हुआ है, इसे क्लोज कर लेता हूँ मैं। अब मैं इसे इस तरह मैं इरेज कर लूँगा, यहाँ पे व्हाइट कलर ऊपर है तो ब्लैक कलर को मैं ऊपर ले लूँगा मैं, तो यहाँ पे इस तरह ये रिमूव हो जाएगा, इस तरह मैं इसे रिमूव कर लूँगा तो ये नॉर्मली एक बॉर्डर दिखेगा। यहाँ पर मोटूल को सेलेक्ट करूँगा। अब मैं कंट्रोल माइनस से डिज़ाइन को थोड़ा छोटा करूँगा मैं। अब मैं यहाँ पर पेंट टूल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर जाऊँगा मैं शेप को सेलेक्ट कर लूँगा मैं, और यहाँ पर मैं इसी को पे क्लियर ले लूँगा मैं, और यहाँ पर इस तरह मैं पेंट टूल ड्रॉ कर लूँगा मैं इस तरह, मैं सिर्फ पकड़ूंगा और यहाँ पे लाके इस तरह इस पॉइंट को ज्वाइन कर लूँगा मैं। यहाँ पे मोटूल को सेलेक्ट करूँगा, सिर्फ डाउन है सो थोड़ा सा नीचे ले लूँगा मैं इस तरह, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे इस ब्लैक कलर को पिक कर लूँगा इसी से रिलेटेड कलर। ओके करूँगा, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और यहाँ पर थोड़ा सा इसे रोटेट कर लूँगा मैं इस तरह, और यहाँ पर थोड़ा सा इसे बड़ा कर लूँगा मैं और इंटर करूँगा, थोड़ा एरो से मैं मैनेज करूँगा मैं। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे फिल्टर में और यहाँ से जाऊँगा ब्लर में जाके ग्रोशन ब्लर को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लूँगा, और यहाँ पे इसका ब्लरनेस रखूँगा मैं, थोड़ा बढ़ा लेता हूँ मैं इस तरह, और ओके करूँगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा इसका फिल कम करूँगा, तो यहाँ पर मैं 50% तक इसका फिल कम कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं टाइप कर लूँगा और इंटर करूँगा। तो ये डिज़ाइन में कुछ इस तरीके है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे मैंने जो इमेज हाइड कर रखा था इसे विजिबल कर लेता हूँ, और इसे इस तरह मैं मैनेज कर लूँगा मैं, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और इसे इस तरह थोड़ा सा छोटा कर लूँगा मैं, काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे, और इंटर करूँगा। अब इस इमेज का एक डुप्लीकेट निकालूंगा मैं, कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो इसका डुप्लीकेट आ जाएगा। नीचे लेयर को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, इस पॉइंटर को पकड़ के यहाँ पर मैनेज करूँगा मैं। अगर ये पॉइंटर आपसे यहाँ पर ना दिखे तो यहाँ पर अनचेक रहेगा, तो इसे चेक कर लीजिएगा। राइट क्लिक करके मैं इसे फ्लिप वर्टिकल कर लूँगा तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। डिज़ाइन को थोड़ा बड़ा करूँगा कंट्रोल प्लस से, इसे सेलेक्ट करके थोड़ा एरो से मैं इसे इस तरह ऊपर ले लूँगा मैं। अब मैं यहाँ पे मैं मास्किंग ऑन करूँगा, इस वाइट बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ से जाऊँगा ब्रश में जो कि ऑलरेडी मैंने सॉफ्ट ब्रश सेलेक्ट करके रखा हुआ है, इसे इस तरह मैं इरेज कर लूँगा मैं, इस तरह मैं इसे मैनेज कर लूँगा मैं, थोड़ा यहाँ से इरेज करके इस तरह मैं मैनेज कर लूँगा। अब इसी के नीचे न्यू लेयर लूँगा मैं और यहाँ से जाऊँगा कलर बॉक्स पर, यहाँ पर थोड़ा सा और डार्क ले लूँगा नीचे की तरफ जाके, इसी से रिलेटेड सब कोड यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह इफेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ पकड़ कर रखूँगा इसे इस तरह मैं बेंड कर लूँगा मैं, और यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेच करके बड़ा कर लूँगा इसे, बिल्कुल प्रोडक्ट के पीछे रखूँगा मैं इस तरह, इंटर करूँगा, इसे ड्रैग करके इस इमेज के पीछे रखूँगा तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लूँगा मैं, और यहाँ पर इस तरह मैं ऊपर की तरफ इसे मैनेज करूँगा मैं। अब मैं यहाँ पर रैप को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इस पॉइंटर को पकड़ के इस तरह मैं थोड़ा ऊपर की तरफ इसे मैनेज करूँगा मैं इस तरह, और इंटर करूँगा।
तो ये डिजाइन हमारा कुछ इस तरीके है दोस्तों। अब मैं इस इमेज को सेलेक्ट करूँगा, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट है, यहाँ पे मैं इफेक्ट अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्रॉस आ रहा है। अब मैं इसे पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे रेस्टराइज कर लूँगा मैं, तो यहाँ पे ये इफेक्ट विजिबल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा डोज टूल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसे लाइट कर लूँगा इस तरह। अब मैं फिर से यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे बॉन्ड टूल को सेलेक्ट करके यहाँ पे इस तरह मैं थोड़ा सा ब्लैक शेडो दे दूँगा मैं इस तरह में, ज़्यादा नहीं। अब मैं फिर से यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे डोज टूल को सेलेक्ट कर थोड़ा सा और यहाँ से ब्राइट करूँगा मैं क्रॉस करके इस तरह। यहाँ पे कंट्रोल जीरो करके मैं डिज़ाइन पे आऊँगा, वीडियो डिजाइन में कुछ इस तरीके है दोस्तों। अब यहाँ पे टॉप लेयर को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एक न्यू लेयर लूँगा। अब यहाँ से जाऊँगा मैं रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा मैं। अब यहाँ पे मोटू को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे फिर से रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके इसी को एक न्यू लेयर लूँगा मैं और यहाँ पे इस तरह एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा मैं। और यहाँ पे इसका कलर थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि ये दिखे, ओके करूँगा। अब यहाँ पे मोटू को सेलेक्ट करूँगा, इसी का डुप्लीकेट निकाल के मैं एक राइट साइड में इस तरह में मैनेज कर लूँगा मैं, इसी के सामने रखूँगा से इस तरह में मैनेज करूँगा मैं। एरो से इस तरह में मार्जिन रखूँगा लेफ्ट राइट में, इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा और इन्हीं का डुप्लीकेट लिखा लूँगा मैं। यहाँ पे अल्ट होल्ड कर रखूँगा और यहाँ पे इस तरह में नीचे की तरफ ले लूँगा। अब इन चारों को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल होल्ड कर रखूँगा इस तरह में क्लिक करके इन चारों को सेलेक्ट करूँगा। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा कंट्रोल ई प्रेस करूँगा तो ये चारों मर्ज हो जाएंगे इस तरह। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल होल्ड कर रखूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये चारों पे सिलेक्शन ऑन हो जाएगा। अब इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मास्किंग ऑन करूँगा तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल रिमूव हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल आई प्रेस करूँगा तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। अभी ऊपर लेयर को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे डिलीट प्रेस करके इसे डिलीट कर दूँगा तो यहाँ पे ये चारों बॉक्स कट हो जाएंगे यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और इसे इस तरह में रोटेट कर लूँगा मैं इस तरह में, यहाँ से इस तरह में इसे छोटा कर लूँगा मैं और यहाँ पे इस तरह ऊपर की तरफ रखे इसे इस तरह स्ट्रेच करूँगा मैं और यहाँ पे ऊपर की तरफ इसे इस तरह में मैनेज करूँगा, थोड़ा ऊपर की तरफ रखूँगा मैं और इंडा करूँगा। इसे ड्रैग करके इन सारे लेयर के पीछे ले लूँगा मैं इस तरह, इसके पीछे चला जाएगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे फिल्टर में और यहाँ से जाऊँगा ब्लर में या फिर ग्रोशियन ब्लर को सेलेक्ट करूँगा, इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे इसका ब्लरनेस बढ़ा लेता हूँ मैं इस तरह मैं मैनेज करूँगा, थोड़ा और ब्लर कर लेता हूँ मैं इस तरह और ओके करूँगा। कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, थोड़ा सा इस कॉर्नर से बड़ा कर लेता हूँ मैं और इंटर करूँगा। तो ये कुछ इस तरह विंडो टाइप इफेक्ट दिखेगा। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा टॉप लेयर को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट अल्ट ई प्रेस करूँगा तो ये सारे डिज़ाइन कंबाइंड हो जाएंगे। अब इसे थोड़ा सा कलर करेक्शन कर लेते हैं। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे फिल्टर में और यहाँ से जाऊँगा कैमरा रॉ में और यहाँ से जाऊँगा इफेक्ट में जाके इसका टेक्स्चर थोड़ा बढ़ाऊँगा, थोड़ी सी क्लियरिटी बढ़ा लूँगा मैं और यहाँ पे डेज को थोड़ा मैं बढ़ाऊँगा और यहाँ पे रेगनेट को थोड़ा माइनस करूँगा मैं और यहाँ पे गेन का रखूँगा मैं 25 तक रखता हूँ मैं और ओके करूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे इमेज में और यहाँ से जाऊँगा मैं वाइब्रेंस में और यहाँ पे इसका सेचुरेशन थोड़ा बढ़ाऊँगा मैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा वाइब्रेंस बढ़ाऊँगा और ओके करूँगा। अब मैं फिर से इमेज में जाके यहाँ से जाऊँगा मैं ब्राइटनेस में और यहाँ से इसका थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाऊँगा मैं, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाऊँगा मैं इस तरह और ओके करूँगा। तो फाइनल दूसरा डिज़ाइन हमें रेडी हो गया प्रोडक्ट के लिए। तो दूसरा डिज़ाइन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।